अय्यूब सातवां बाब। क्या इंसान के लिए जमीन पर जंगो जदल नहीं, और क्या उस दिन मजदूर कैसे नहीं होते, जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजिर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूंगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है, मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है, मेरे दिन जुलाहे की धरकी से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा, मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा, मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समुंदर हूं या मगरमच्छ जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूं मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुंचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है, यहां तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है, मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे क्योंकि मेरे दिन बुतलान हैं। इंसान की बिसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तू कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निकल लूं? ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूं? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूं? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा, पर मैं ना होऊंगा।